हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है अभी तक की इस सीरीज़ की पूरी, जिसमें हम बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया गाइड के बारे में कि आपको अपना जो नया बिज़नेस है उसको स्टार्टअप इंडिया के अंडर कैसे रजिस्टर कराना है। और जो आज की वीडियो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है कि हम स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होने के बाद जो टैक्स की एग्जम्पशंस जो उनको मिलती हैं उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन सी टैक्स एग्जम्पशंस हमको इसमें प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी जो पिछली दो वीडियो हैं उसको जाकर देखिए ताकि इस टॉपिक पर पूरी की पूरी नॉलेज आपको मिले और उसके बाद जब आप यहाँ पर आएँ तो एक वेल नॉन वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह आप यहाँ तक पहुँचें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बिज़नेस हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की टैक्स से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड किस तरह की हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगी हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में बात करेंगे। अब जो टैक्स एग्जम्पशंस जो स्टार्टअप को मिलती हैं उसमें जनरली तीन तरह की टैक्स एग्जम्पशंस हैं। जैसे इनकम टैक्स में अगर बात की जाए तो सेक्शन 80IAC, एक तो ये सेक्शन के अंडर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। एक एंजल टैक्स के अंडर यानी कि कैपिटल गेन के अंदर आपको एक टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और एक सेक्शन 56 जो ऑल्सो इंक्लूड इन मतलब PGBP और कैपिटल गेन से रिलेटेड है, उसमें भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम बात करते हैं कि ये टैक्स एग्जम्पशन लेने के लिए आपके लिए, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रखा है कि सिर्फ इन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरा करने वाला जो बिज़नेस सेटअप है उसी को ये एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिज़नेस एंटिटी एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब रजिस्टर्ड का मतलब है कि अगर वो एक फर्म है तो LLP या फर्म पार्टनरशिप फर्म के अंडर वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। दूसरा कि अगर वो कंपनी है तो एज अ कंपनी वो रजिस्टर्ड हो MCA ROC के पास, ठीक है। दूसरी चीज़ के कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो 1 अप्रैल 2016 से लेके और 1 अप्रैल 2021 के बीच में ही स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए वो, ठीक है, तभी वो आप इन सभी एग्जम्पशंस के लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि आपका जो टर्नओवर है वो प्रिसीडिंग ईयर में 25 करोड़ तक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए बल्कि, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो बजट हमारा लास्ट जो बजट हमारा अनाउंस किया था श्रीमती सीतारमन जी ने, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ाकर 100 करोड़ तक कर दिया, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और ये बहुत बड़ा एक तरीके का रिलीफ है क्योंकि इससे स्टार्टअप्स को बहुत इनकरेज मिलेगा, क्योंकि 25 करोड़ की लिमिट अगर आप ऑल ओवर द नेशन आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो 25 करोड़ की लिमिट आई डोंट थिंक के बहुत बड़ी लिमिट होती है। आप एक दो स्टेट में भी अगर स्टार्ट करें बिज़नेस तो आप ईज़िली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो बिज़नेस है उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो ऐसा होना चाहिए यानी कि उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव स्टेप्स उन्होंने लिया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग को लेकर हो, ठीक है, या फिर बात की जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिसमें इनोवेशन दिखती हो उनके बिज़नेस मॉडल में। क्योंकि स्टार्टअप्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी ये कंडीशन आपको दिखेगी कि स्टार्टअप रजिस्टर्ड ही तब होता है जब वो एक तरीके से कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हों, यानी कि टेक्निकल फील्ड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हों या फिर किसी तरह का उन्होंने नया स्टेप लिया हो, ताकि मतलब ऐसे समझिए कि उस तरह का बिज़नेस या उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडिया में अब से पहले कोई प्रोवाइड ही ना कर रहा हो। जैसे बात की जाए कि अगर जब फ्लिपकार्ट आया था तो फ्लिपकार्ट से पहले उस तरह की सर्विसेज कोई नहीं दे रहा था, ठीक है। और बात की जाए तो जैसे 1MG या और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स की डिलीवरी वाली कंपनियां हैं जो अब से पहले नहीं थी इंडिया में लेकिन अब इस्टेब्लिश हो गई हैं, तो ये सब स्टार्टअप्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो रिकंस्ट्रक्शन वाले बिज़नेस होते हैं यानी कि जो रिकंस्ट्रक्ट होके एक नई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, उस तरह की कोई उनकी हिस्ट्री ना हो या उस तरह की कोई कंपनी ना हो, उसको इसमें मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो एग्जम्पशंस आपको मिलेंगी वो कौन कौन सी हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। और जो सबसे पहली जो मतलब कहते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आपका स्टार्टअप जो है वो DPIIT यानी कि एक जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके पास आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जम्पशंस से रिलेटेड सर्टिफिकेशन का जो काम है वो एक IMB बोर्ड करता है यानी कि इंटरनल मिनिस्ट्रियल बोर्ड करता है, ठीक है। वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराते हैं रिलेटेड टू योर टैक्स एग्जम्पशंस।
अब जो 80IAC यानी कि सेक्शन 80IAC है इनकम टैक्स में, उसकी जो टैक्स एग्जम्पशन है उसको सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप लोग क्लेम कर सकते हैं, और वो जो सर्टिफिकेट है वो IMB ही प्रोवाइड करेगा आपको। अब ये जो एग्जम्पशन है इसमें क्या है, क्या बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया है? तो हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आपका स्टार्टअप इसी साल रजिस्टर्ड हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आगे आने वाले 7 सालों में, मतलब आप इसी साल से काउंट कीजिए और नेक्स्ट 7 ईयर के अंदर अंदर किसी भी 3 साल में आप पूरे के पूरी इनकम पे, इनकम भी कौन सी, जो PGBP यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड के अंदर आती है, उसमें आप पूरी की पूरी इनकम पे टैक्स बेनिफिट ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो टैक्स पे करेंगे आप। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक तरीके से। लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि अभी जो लास्ट हमारा बजट आया था उसमें ये 7 साल की लिमिट बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, यानी कि 10 साल में कोई भी 3 साल आप लोग ले लीजिए, आपको 3 साल के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, एक रुपया भी पे नहीं करना है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी एक तरीके की एग्जम्पशन और रिलीफ है स्टार्टअप्स के लिए। दूसरी जो एग्जम्पशन है वो है एंजल इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर बात करें तो जो एंजल इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप्स में करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपको फ़ंड मिलता है, और ये एग्जम्पशन देनी बहुत ज़रूरी थी, वरना स्टार्टअप्स को फ़ंड कैसे अरेंज होगा? गवर्नमेंट तो क्योंकि हर किसी को फंडिंग कर नहीं पाएगी, ठीक है? अब जनरली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं अगर उसके बारे में बताऊं तो वो जनरली आपको सिक्योरिटी लॉ में पढ़ने को मिलता है, यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट में जो इन्वॉल्व हैं लोग उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी उसके बारे में कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं अगर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊँ तो लास्ट 3 ईयर में उनकी जो रिटर्न फाइल हुई है इनकम टैक्स की, उसमें उनकी इनकम एवरेज बेसिस पे 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और अगर बात की जाए तो उनकी जो नेटवर्थ है वो 2 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए लास्ट ईयर के लास्ट डे तक, मतलब जब वो एंजल इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टाइम ये क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। अगर वो इस क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो वो एंजल इन्वेस्टर कहलाएंगे, ठीक है? उसके बाद जब वो आपके स्टार्टअप में अपना फंड लगा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। जनरली बेनिफिट मिलेगा जब आप लोग प्रॉफिट करोगे एज अ स्टार्टअप, ठीक है? लेकिन इनिशियल बेनिफिट क्या होगा उनका, क्योंकि स्टार्टअप्स को बेनिफिट गेन या प्रॉफिट गेन करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, इस्टेब्लिश होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस इनिशियल स्टेज पे जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो ये है, या फिर कंपनी को जो बेनिफिट मिलेगा वो भी कि जब आप उनको, वो आपको फंडिंग कर रहे हैं तो आप उनको शेयर अलॉट करेंगे। अब आप बहुत छोटे स्टार्टअप हो तो आपके शेयर की वैल्यू अगर FMB में भी यानी कि मार्केट वैल्यू से भी कंपेयर की जाए तो अगर मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये है तो मार्केट में कितनी ज़्यादा, 3 या 4 रुपये, 5 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन आप लोग उनको जो शेयर इशू करेंगे वो एट द प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि इतनी हाई वैल्यू तो आपके शेयर की नहीं होगी, ठीक है? अब वो जो प्रीमियम अमाउंट आपको मिलेगा वो जनरली टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में, लेकिन इस सेक्शन सेक्शन 56 में वो आप प्रीमियम अमाउंट पूरा का पूरा उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है? वो प्रीमियम अमाउंट के नाम पे जो आपको पैसा मिला है उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स के नाम पे नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेम्पशन है वो मैं अगर बात करूँ तो वो है कैपिटल गेन से रिलेटेड, यानी कि अब आप मान लीजिए स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने असेट्स, कैपिटल असेट्स जो होती हैं वो आपने इकट्ठी करी, उनको यूज़ करा 1-2 साल, और उनको बाद में आपको लगा कि इनकी जो वैल्यू है या फिर इनको हमें चेंज करना चाहिए, आपने बेच दिया। अब उसको बेचने के बाद आपको मान लीजिए कि अगर 5 मिलियन तक आपको पैसा मिलता है, मतलब जो उनकी सेल वैल्यू है वो अगर 5 मिलियन तक है, एंड आई थिंक 5 मिलियन अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 5 करोड़ समथिंग होगा, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो 5 करोड़ तक अगर आपको मिलता है तो आपको वही पैसा वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो अपने ही कैपिटल असेट्स में या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफाइड फंड्स हैं उसमें, वो भी 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बहुत इजी एक कंडीशन है जिसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग बहुत इजीली। तो ये जो 3 मेन कंडीशंस थी, ये थी स्टार्टअप इंडिया के अंडर जो एज अ टैक्स एग्जेम्पशन या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लगे तो हम लोगों को आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है? थैंक यू।